जनपद संभल में बिगड़ा मौसम का मिजाज, लगातार तेज हवाओं के साथ बारिश किसान के आफत बनकर बरस रही है। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। तेज बारिश के साथ ठंडी तूफानी हवाओं ने लोगों को डरा कर रख दिया है। बारिश के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। ये बारिश के मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और यहाँ पर कुछ किसान लोग मौजूद है। मैं इनसे प्रतिक्रिया लेता हूँ कि क्या दिक्कतें आ रही हैं बारिश से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है सर। अच्छा, बारिश से क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? बारिश से अनेक दिक्कतें आ रही हैं सर। ये बारिश तो रुलाने वाली है। इस बारिश से सरसों की फसल बर्बाद हो चुकी है और गेहूँ में तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो गेहूँ में हुआ है। गेहूँ में बारिश होने से परे जमने के कारण गेहूँ जम नहीं पा रहा है पूरी तरह से। सबसे ज़्यादा गेहूँ में ही नुकसान है। और जो नई इस बारिश होने के कारण जो धरती परे दी गई थी, अब उनमें बहना मुश्किल आ रहा है। गेहूँ बोने में दिक्कत आ रही है, वो पार नहीं आ रही है, तो उन्हें दिक्कत बहने में काफ़ी टाइम लगेगा। आपका क्या नाम है? देखपाल सिंह जी। अच्छा, आप स्कूल में जाने को बच्चों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? परेशानी जो आ रही है, बारिश में बच्चे भीग जाते हैं और कई बीमारी हो जाती है, बुखार भी आ जाता है, खांसी हो जाती है, टाइफाइड भी बन जाता है। अच्छा, ऐसी बारिश से पशुओं को क्या दिक्कत आ सकती है? पर पशुओं को बीमारी हो सकती है। अच्छा, बीमार पड़ जाते हैं पशुओं भी जी। ये थे किसान भाई लोग जिनसे मैंने प्रतिक्रिया ली। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ रविंद्र यादव, संभल।